भैया, स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर के सामने अपने पाप को मानना, जैसा कि दूसरा शमूएल अध्याय 12 उसकी 13 आयत में लिखा है। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। मेरे प्रियो, जब हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि दाऊद ने पाप किया और परमेश्वर का आत्मा उससे दूर चला गया। पर जब उसने अपने पाप को परमेश्वर के सामने माना, तो फिर परमेश्वर ने उसके पाप को माफ किया और फिर परमेश्वर का आत्मा उसके पास आया। उसने 66 लड़ाइयां लड़ी और वो सभी लड़ाइयों में जीता। उसने फिर दोबारा कोई पाप नहीं किया और फिर परमेश्वर ने उसको और उसके वंश को आशीषित किया। जब आप अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लेते हैं और उससे माफी मांगते हैं, तो परमेश्वर आपको माफ करता है और आपको और आपके घराने को आशीषित करता है। बाइबल में जब हम मरकुस में एक लकवे के रोगी के बारे में पढ़ते हैं, तो लिखा है कि जब परमेश्वर ने उसके पापों को माफ किया, तो वो चंगा हो गया। परमेश्वर ने उसको बोला कि तू अब कभी पाप ना करना। हमारी जिंदगी में कुछ बीमारियां, मुश्किलें, परेशानियां हमारे पापों की वजह से आती हैं, और जब हम परमेश्वर से उन पापों की माफी मांगते हैं, तो वो सब बीमारियां, परेशानियां और मुश्किलें हमारी जिंदगी से चली जाती हैं। फिर परमेश्वर का आत्मा और उसके स्वर्गदूत हमारे साथ रहते हैं। पर जब हम दोबारा पाप करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा और उसके स्वर्गदूत हमारी जिंदगी से चले जाते हैं। मेरे प्रियो, जब आप व्यभिचार, चोरी या किसी गरीब का हिस्सा रखते हैं या फिर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो आप पाप करते हैं। फिर आपकी जिंदगी में शर्मिंदगी आती है, परमेश्वर आपसे नाराज होता है, परमेश्वर का आत्मा आपसे दूर हो जाता है। फिर आपकी जिंदगी में बीमारियां और परेशानियां आती हैं। पर जब आप अपने पापों को परमेश्वर के सामने मानते हैं और उससे माफी मांगते हैं, तो जैसे परमेश्वर ने दाऊद के पापों को माफ किया, वो आपके पापों को भी माफ करता है। इसीलिए आज ही अपने पापों को परमेश्वर के सामने माने, तब परमेश्वर आपको माफ करेगा। बाइबल को पढ़ना शुरू करें और उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाना शुरू करें, फिर से पाप ना करें, तब परमेश्वर फिर से आपकी अगुवाई करेगा और आपको आशीषित करेगा। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन की रोशनी के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पाप माफ कर दीजिए और मुझे अनुग्रह दीजिए कि मैं फिर से पाप ना करूं, आपके वचनों के अनुसार चलूं, मेरे जीवन से आपके नाम को महिमा मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें, आमीन।